जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 15 मार्च सोमवार का दिन, रेवती नक्षत्र शुक्ल योग में आपकी राशि तुला पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव है। चंद्रमा की छाया है, राहु शुक्र शनि की दृष्टि है। तुला राशि वालों के लिए 15 मार्च का दिन भाग्य सौभाग्य को चमकाने वाला होगा। आपके जीवन से बुरा समय खत्म होगा, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। ये सोमवार आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि आपके भाग्य में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आज 4:44 पर जब चंद्रमा आपकी राशि तुला के चतुर्थ भाव से पंचम भाव को होता हुआ छठे भाव में आएगा, उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य और चंद्रमा का एक साथ आपकी राशि तुला के छठे भाव में गोचर करना और चंद्रमा का उदय सूर्य के साथ होना आपके भाग्य को चमकाएगा। आपके जीवन से बुरा समय खत्म होगा और एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। आज सोमवार के दिन 15 मार्च आपकी राशि तुला पर सूर्य उदय के बाद नए कामयाबी के रास्ते खोलने वाला सुंदर योग बन रहा है। आज आप अपनी मेहनत के दम पर हर काम में सफलता हासिल करेंगे। तुला राशि वालों, आज रेवती नक्षत्र शुक्ल योग में बुध और बृहस्पति का प्रभाव, बड़ी सफलता, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। आज के दिन आपके हाथों से अच्छे काम होंगे, हर काम में सफलता हासिल होगी। आज आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आपका भविष्य सुंदर दिखाई दे रहा है, लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आपके जीवन में नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, ये समय बड़ा शुभ है। सूर्य उदय के बाद ही आज आपकी राशि तुला पर जीवन में लाभ और धन, शांति और खुशी, एक नई शुरुआत होने जा रही है, जो आपके जीवन में आपके उत्साह को बढ़ाएगा, सकारात्मक परिणाम देगा। आज तुला राशि वालों के लिए अच्छे समय की शुरुआत, क्योंकि आज बुध और बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, राहु शुक्र शनि की दृष्टि है। आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य छठे भाव में एक साथ गोचर करेंगे, जबकि बुध और शुक्र का गोचर आपकी राशि तुला के पंचम भाव में होगा। वहीं बृहस्पति और शनि आपकी राशि तुला के सुख स्थान में गोचर करेंगे। राहु और मंगल का गोचर आपकी राशि तुला के अष्टम भाव पर होगा। केतु आपकी राशि तुला के द्वितीय भाव में गोचर करेगा। आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति का एक साथ गोचर करना, चंद्रमा और सूर्य का एक साथ गोचर करना, राहु और मंगल की युक्ति, बुध और शुक्र का एक साथ गोचर करना, जीवन में एक नए उत्साह, एक नया उमंग, जो आपके जीवन में खुशी भी देगा, उन्नति भी देगा। आज आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी। आज जीवन में बड़ा लाभ आप प्राप्त करेंगे, जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। आज आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होगा, जिसके कारण आप अपने मेहनत के बल पर बड़ी सफलता कामयाबी प्राप्त करेंगे। तुला राशि वालों, आज बुध और बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि तुला पर है। बुध के मित्र ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु, सूर्य का गोचर आपकी राशि तुला के छठे भाव में हो रहा है, जबकि शुक्र का गोचर बुध के साथ पंचम भाव में है।
राहु मंगल के साथ गोचर कर रहा है, वहीं बृहस्पति का मित्र ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल, मंगल का राहु के साथ गोचर करना और चंद्रमा का सूर्य के साथ गोचर करना भाग्य सौभाग्य को बढ़ा रहा है। यह समय आपके जीवन में बड़ा कामयाबी और सफलता देगा। आज का दिन जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, आपके प्रयास सफल होंगे। यह समय बेहतर है, आपके जीवन में आपका दृढ़ विश्वास, आपकी इच्छा शक्ति, आपका मेहनत, आपका परिश्रम और आपका साहस आज बड़ी सफलता और कामयाबी देगा। तुला राशि वालों के लिए आज भाग्य बड़ा सुंदर है, जो आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों को खत्म करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की हासिल करेंगे। आज का दिन कामयाबी और सफलता के लिए अच्छा है। आपको अपने आप पर गर्व होगा, अपनी सफलता की खुशी आज आपके चेहरे पर दिखाई देगी। बहुत दिनों के बाद तुला राशि वालों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है, जिसके कारण आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। सफलता, कामयाबी, भाग्य, सौभाग्य आज आपका बढ़ेगा। आप मन लगाकर अपने काम को करते रहें, बड़ी सफलता, कामयाबी अवश्य आपको मिलेगी। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज 15 मार्च सोमवार का दिन, फागुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, रेती नक्षत्र शुक्ल योग में। आज आपकी राशि तुला पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव है। रेती नक्षत्र शुक्ल योग में आपके लिए शुभ मुहूर्त 11:32 से 3:18 तक होगा। शुभ मुहूर्त में आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज सफल होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि बार बार लगातार आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपके मेहनत, आपका साहस, आपका परिश्रम आपके जीवन में बड़ी सफलता का कारण बनेगा। आज तुला राशि वालों के लिए एक नई शुरुआत, जो आपके भाग्य को बदलेगा। तुला राशि वालों, आज किस्मत आपको उन्नति के रास्ते पर आगे लेकर जाएगा। ग्रहों की दशा एक तरफ तो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, दूसरी तरफ आपको सफलता, कामयाबी देगा। आज प्रेम जीवन भी बहुत सुंदर होगा, प्रेमी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। स्टूडेंट के लिए आज पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत होगा। आज आपका मेहनत कोई बड़ी सफलता देगा। परिवार वालों के साथ आप खुशियों के पल बिताएंगे। नौकरी व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में आने वाली हर रुकावट खत्म होगी और आपके मन में खुशी जागृत होगी। चेहरे पर मुस्कुराहट होगा, सफलता से मन में खुशी होगी। धन मिलने से जीवन में सुखद अनुभूति होगी, आनंद का वातावरण होगा। जीवन में उन्नति तरक्की का सुंदर योग है। तुला राशि वालों, आज का राहु काल 8:01 से 9:30 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज रेती नक्षत्र शुक्ल योग है, बुध और बृहस्पति का प्रभाव है, राहु शुक्र शनि की दृष्टि है। अमृत काल के समय चंद्रमा की छाया, राहु शुक्र शनि की दृष्टि, 2:05 से 3:51 तक। आपको सफलता, कामयाबी का योग बनेगा, जो आपके जीवन में उन्नति के तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके हर कदम तरक्की उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज का दिन अनुकूल है, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के लिए आज धन के मामले में बड़ा शुभ समय है। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। काम के सिलसिले में आज आप व्यस्त रहेंगे। आज आपके जीवन में आत्मविश्वास और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वही सफलता मिलेगी। भाग्य अच्छा है,
आज का दिन शुभ है। तो तुला राशि वालों, रेपती नक्षत्र शुक्ल योग में जब आपकी राशि बुध और गुरु का प्रभाव होगा, चंद्रमा की छाया होगी, राहु शुक्र और शनि की दृष्टि होगी, ऐसे समय में सोमवार के दिन पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, आपके लिए लक्की नंबर 5 होगा। तो आज आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का छठे भाव में एक साथ गोचर करना, बृहस्पति और शनि का चतुर्थ भाव में गोचर करना आपके प्रयास, सफलता और कामयाबी लेकर आएगा। ये समय तरक्की उन्नति भरा होगा, मन में खुशी जागृत होगी, प्रेम संबंध में आकर्षण बढ़ेगा, आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आपके जीवन में जबरदस्त तरक्की होगी। ऐसे समय में उन्नति के अवसर मिलते हैं और अवसर का लाभ आप उठाते हैं, जिससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है, धन समृद्धि सुख की प्राप्ति होती है। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। आज बुध और बृहस्पति का प्रभाव सुंदर मनमोहक छवि देगा, बहुत लाभ देगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज कोई नई काम करने से आपके जीवन में ज़्यादा उन्नति होगी, हर परिस्थिति में आप जीत हासिल करेंगे। तो आज खुश होकर अच्छे मन से अपने काम को करते जाएं, आपको कोई बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये समय शुभ है, सुंदर है, धन का लाभ होगा, तरक्की उन्नति से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशि फल के लिए राशि फल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तुला राशि वालों के लिए 15 मार्च सोमवार का दिन, फागुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रेपती नक्षत्र शुक्ल योग में बुध और बृहस्पति का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, राहु शुक्र शनि की दृष्टि बड़ी कामयाबी लेकर आया है। किस्मत के सितारे आप पर मेहरबान हैं, किस्मत चमकेगा, भाग्य बदलेगा, आपके भाग्य में सुख धन प्राप्त होगा, बड़ी कामयाबी मिलेगी, मन चाही सफलता मिलेगी। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।